अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं इंडो चाइनीज ग्रेवी, जिसका नाम है चिकन मंचूरियन ग्रेवी। बहुत ही मजेदार, झटपट घर पर आसानी से बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की बनाते हैं। चलिए यह साफ करी हुई, धोई हुई, नितारी हुई चिकन बोनलेस आधा किलो है। इसके लिए मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स किए हैं। ये थाई पोर्शन है, आप चाहे तो ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। वैसे मैंने इसे 10-15 मिनट के लिए नितारने से छन्नी के ऊपर साइड पर रख दिया था। अब एक बाउल के अंदर डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, या फिर आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। एक छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, एक छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार आप कर सकते हैं। एक छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो छोटे चाय के चम्मच सोया सॉस, मेरा डार्क वाला है। बेटर है आप डार्क वाला ही लीजिए, ये वाली पूरी रेसिपी में नहीं हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च, एक अंडा भी फोड़कर डाल दें और 2 टेबलस्पून मैदा डाल दें। ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और इसे ढककर मैरिनेट करने के लिए आधे पौने घंटे के लिए साइड पर रख दें। आप चाहें तो बाहर रख सकते हैं ढककर, या फिर आप ढककर फ्रिज में रख दीजिएगा। मैं ढककर फ्रिज में रख देती हूँ। चलिए आधा घंटा हो चुका है, तेल का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर वेल कोट करे हुए चिकन के कुछ पीसेस डाल दीजिए। अच्छा, सारे मत डाल दीजिएगा, फ्यू एट अ टाइम डालें। जितनी आपकी जो कढ़ाई हो उसमें समय उतना डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। और इसे 1 मिनट तक तो टच भी मत कीजिए। जब 1 मिनट हो जाए और वो जो कोटिंग है वो जो थोड़ी फॉर्म होने लग जाए, तो इसको उलट पलट करते हुए मीडियम आंच पर तकरीबन 6-7 मिनट तक पकने दीजिए। उलट पलट करते जाएं बार बार, और जब 6-7 मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल कर उतार कर टिश्यू पेपर के ऊपर मत डालिएगा, छन्नी के ऊपर डालिएगा, सो दैट क्रिस्पी और क्रंची रहेंगे। टिश्यू पेपर पे डालोगे ना तो उससे क्रंचीनेस जा सकता है, सौगी हो सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से सारे बैचेस के अंदर फ्राई कर लीजिए। वैसे मेरे पतले और थिन स्ट्रिप्स थे तो आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी बन गए। मैंने 5 मिनट ही रखा था। अगर आपसे बाय मिस्टेक थोड़े मोटे बन जाते हैं इसके स्ट्रिप्स चिकन के, तो कोई बात नहीं, आप 5 मिनट के बजाय 7-8 मिनट इसे मीडियम आंच पर पका लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं माशाल्लाह। आप इसी तरीके से डायरेक्ट भी खा सकते हैं, मेरे यहाँ तो ऐसे बहुत ज़्यादा खवा जाते हैं। तो चलिए इसे हम साइड पर रखते हैं और अब हम जाते हैं ग्रेवी की ओर मंचूरियन बनाने के लिए। अब एक बाउल के अंदर 1.5 कप पानी डाल दीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस। बेटर रहेगा डार्क डालोगे तो कलर उसी से आएगा। और 1.5 या 2.5 टेबलस्पून गार्लिक चिली सॉस, आप सादा नॉर्मल चिली सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला, और 1.5 टेबलस्पून टमाटर सॉस, और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च। ये घोल बनाकर इसे साइड पर रख दीजिए। एक कढ़ाई का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। इसमें आप नॉर्मल सादा तेल भी डाल सकते हैं, या फिर मेरी तरह मैं जो वो चिकन जिसमें फ्राई की हूँ वही वाला तेल ले रही हूँ। मैंने चूल्हा 1 मिनट के लिए स्लो कर दिया है। अब ये गरम तेल के अंदर 1.5 टेबलस्पून भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून भरकर बारीक कटा हुआ अदरक डाल दीजिए। मैं यहाँ 1 हरी मिर्ची को बारीक काट कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार 2-3 डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो लहसुन और अदरक है मैंने पूरा भर भर के लिया है, हाँ, और इसे एक बार चला लीजिए। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 3 टेबलस्पून भरकर बारीक कटा हुआ प्याज, जो हम स्प्रिंग ऑनियंस के ऊपर की प्याज होती है ना, मैं ये वाली डाल रही हूँ। इसके साथ साथ 1 मीडियम साइज की छुंदा मतलब बारीक कटी हुई प्याज, और थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस की जो पत्ती आती है ना उसे भी मैं बारीक कटा हुआ डाल देती हूँ। और इसे मीडियम आंच कर दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये जो प्याज है ना कच्ची पक्की नहीं हो जाती। मैंने थोड़ा सा तेल आप देख सकते हैं और ज़्यादा डाला है, तकरीबन 1/2 मिनट में ना, 1 मिनट लगेगा प्याज को फ्राई होने के लिए। कच्चा पक्कापन जो आता है ना वो 1 मिनट में हो जाएगी। जब प्याज कच्ची पक्की हो जाए तो यहाँ पर मैंने
मोटी बड़ी शिमला मिर्च थी उसको मैंने बारीक काटा, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालकर इसे भी, ये जो शिमला मिर्च अब हमने डाली है ना इसे भी 10-20 सेकंड के लिए फ्राई कीजिए। शिमला मिर्च बहुत बड़ी थी तो मैंने आधी डाली है बारीक काटकर, आपकी छोटी हो तो आप पूरी साबुत डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जब 10-20 सेकंड हो जाए शिमला मिर्ची को तो ये जो हमने ग्रेवी बनाकर रखी है, आई मीन स्लरी बनाकर रखी है, ये डाल दीजिए। और इसे मैंने थोड़ा सा पानी चलाकर फिर से उसमें डाला है तो इसे अब मीडियम आंच पर पकने दीजिए, ये वाले हमने जो मिक्सचर डाला है तो इसमें उबाल आ जाने दीजिए। इस तरीके से हल्का हल्का उबाल आएगा तो कलर चेंज होगा और आपको पता चलेगा कि, क्योंकि हमने ये सारा लमसम बेसिक चीज़ें डाली है, अब हम एडजस्ट करेंगे हमें क्या चीज़ कम या ज़्यादा लग रही है। पूरा समय चूल्हा मीडियम पर ही है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा एक कलर आ रहा है और इसमें अच्छा उबाल आ चुका है। तब भी मैं डालूंगी 3/4 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस और 3/4 टेबलस्पून गार्लिक चिली सॉस। अगर आपके पास गार्लिक चिली सॉस नहीं है तो आप सादा चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने चूल्हा मीडियम पर रखा, मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने नमक डालकर इसे एडजस्ट किया है। अब ये सॉसेस वगैरह आप आपके हिसाब से और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए अच्छा खासा उबाल आ गया और पक गई है हमारी ग्रेवी। तो यहाँ पर जो चिकन है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। जब आप मिक्स करेंगे ना तो मीडियम आंच ही रहने दीजिएगा। थोड़े से जो स्प्रिंग ऑनियंस है वो ऊपर से बारीक कटे हुए डाल दीजिए और इसमें हल्का सा ऐसा आपको लगेगा कि अच्छा खासा उबाल आ रहा है। जब अच्छा उबाल आ जाए और आप देखेंगे ग्रेवी और जो हमारी चिकन है अच्छी कंबाइन हो चुकी है, टॉस ही करना है हमें, तकरीबन 1 मिनट तक ही आपने पकाना है, उसके बाद चूल्हा कर दीजिए बंद। और अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, मैंने जो काट के साइड पर रख दी थी। मुझे थोड़ी ऊपर से डालकर अच्छी लगती है, दिखने में थोड़ी वाइब्रेंट लगती है तो मज़ा आता है, क्रिस्पी लगती है खाने में। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियंस डाल दें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप चाहें तो इसे रुमाली रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वैसे उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। या फिर आप ना इसे फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मैंने काफ़ी टाइप के फ्राइड राइस बनाए, आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। कुछ इंडो चाइनीज़ की रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इनफैक्ट प्लेलिस्ट ही पूरा मैं डाल देती हूँ आप लोग के लिए, आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो ये वाली वीडियो को लाइक कीजिए जल्द से जल्द और अपने फैमिली और फ्रेंड्स भी ये वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।